चूहा खाया, दोस्तों देख पा रहे कल। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और दोस्तों देखिए, इन जहरीले जानवरों को, इन बेजवानों को बताते हुए दोस्तों भरवलिया गांव में, जो कि दोस्तों जस्ट हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है। और सर मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक काफ़ी बिग साइज का इंडियन स्पेक्टर कोबरा सांप ऐसा देखा गया, ऐसा लोग बताएं। तो वीडियो के अंदर बने रहिए और आइए दिखाते हैं वो कौन सांप है और कैसा है। आइए दोस्तों देखिए, इसमें छोटा कटरे छप्पर वगैरह है और इसमें सो लोगों द्वारा लकड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा रखा गया था। और सुबह में लकड़ी हटाते समय एक बिग साइज का कोबरा सांप देखा गया है। तो आइए दिखाते हैं। टर्चवा कहाँ है भैया? हल्ला मतलब शांति शांति बना रखे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं जो रूम है, इस रूम में लकड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा रखा गया था। और देखिए थोड़ा सा लकड़ी और बचा है, बाकी सारे लोग निकाल दिए हैं वो लकड़ी को। तो वहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ऐसा बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम लकड़ी है। और आइए मैं चाहूँगा एक बार करीब से दिखा दीजिए। एक ही सांप आप लोग देखे थे ना, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। और तो देखिए मैं चाहूँगा सांप के बार करीब दिखा दीजिए। तो देखिए इसी में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यही सांप था और बिग साइज का दोस्तों कोबरा सांप है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बाहर लेके चलते हैं, लैटरिंग करते हैं। चलिए तो यही था, चला चला चला, कुछ कुछ खाया तो पेट में, पेट में भी कुछ है। और उसको बता दे कि नर है, पुरुष है, लड़का है। आइए और सो ये जस्ट भोजन किया है। तो यही है और जस्ट शिकार किया है, पेट में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी कर लिया है पूरी तरह और पचा चुका है लगभग पेट में। अब निकाल, उल्टी उल्टी करा देखिए करीब से। चूहा खाया दोस्तों, देख पा रहे हैं करीब से करीब से। दोस्तों देखिए चूहा खाया था और उसको चूहा आया था, सुना नहीं है उस चूहा है। हाँ दोस्तों देखिए शिकार किया था और उल्टी भी कर दिया, बस उसका सिर को डाइजेस्ट कर चुका है पूरी तरह। तो चलिए इनको हम डाल लेते हैं। भैया तन डिगे हम झोला दीजिएगा, झोला है छोड़ दीजिए। तो चलिए तो चीज इसको डाल देते हैं, बता रहे हैं तुम्हें। चल भी आराम से, आप लोग एक ही सांप ना देखे थे? चलिए एक ही हुआ, चलिए हटा लीजिएगा, हटा के चेक कर लीजिए, जितना होंगे सब उतना मिल जाएंगे सब। कहीं नहीं घुस रहा यार, मना कर रहा है, जाएगा नहीं आपका घर छोड़ के। चलिए सुनिए, कभी समस्या हो ठीक है, भगवान अगर कभी किसी को कोई सांप अगर काट भी लेता है, आपके नात रिजार कहीं के भी हो, सांप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बता सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा इसी का वीडियो आता है ठीक है, बहुत वीडियो है, हर एक वीडियो में आप लोग मेरा नंबर पा जाएंगे। और आपके क्षेत्र का ही वीडियो है, आपके गाँव में फर्स्ट टाइम है मेरा ठीक है, इसलिए शायद आप लोग जानते नहीं हैं ठीक है। आप लोग बताइएगा काटेगा तब भी, क्यों काटने का केस बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसी मौसम में सांप ज़्यादा मात्रा में बाहर आते हैं सब ठीक है। सांप समस्या होगा फोन करिएगा आप लोग, अच्छा रख लें तब इसको घूरता है तो इसमें वेनम होगा, इसमें तो कौवे वो खाएंगे सब, तो दिक्कत होगा। आप लोग इसको काम करिए, कहीं ना कहीं मतलब दफना दीजिए। जैसे ने वीडियो में दिखाई है वो कोबरा सांप जो था, जो कोबरा स्पेक्ट्रल कोबरा था, और उस कटरेन में लकड़ी में बैठा हुआ था।
क्योंकि उसको पकड़ के हम लोग इस जंगल में रिलीज करने के लिए आ गए, और उसको रास्ते में मैं एक रेड स्नेक भी रेस्क्यू किया हूँ। तो सबसे पहले तो इस रेड स्नेक को, जो बिल्कुल मासूम से सांप है, तो बहुत गर्मी है, तो सोचा कि क्या ही मैं इनको ज़्यादा समय तक रखूँ, इनको भी साथ ही मैं छोड़ दूंगा। तो ये रेड स्नेक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, धामी सांप है, बिना जहर वाला, एक पर्सन को दिक्कत, मैं जब कर दिखा दीजिए। फिर तो यही है, ये देखिए किस तरह भाग रही है। तो आप लोग देखिए कितना रफ्तार से भगी है, इसलिए से उसको घोड़ पछाड़ कहा जाता है। तो चलिए अब उनको छोड़ दिए। अब मेन महाराज ये है जो जो कोबरा सांप था, इंडियन स्पेक्टल्ड कोबरा है, तो उसको इनके काटने से ही दिक्कत होगा। और सो अभी तक मेरे पास तकरीबन दोस्तों 30 से 32 केस ऐसा आ चुका है सर्पदंश का। दोस्तों बरसात का टाइम है, इसी मौसम में सांप सारे सब बाहर आते हैं और इत्तेफाक से लोगों को काट लेते हैं और लोगों के बहुत लोगों की जाने भी जाते हैं। अभी तक मेरे पास 30 घटना ऐसा सामने आया है जिसमें दोस्तों कम से कम 6 लोग मर चुके हैं सांप काटने से, बाकी लोग बचे हुए हैं, बहुत लोग भर्ती हैं हॉस्पिटल में, क्या ही बताऊं। तो सो आप लोग बस सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ताकि ऐसा घटना आपके साथ ना हो। चलिए इनको भी छोड़ते हैं, मैं जाऊँगा दिखा दीजिए। ये भी अपना अभी भाग जाएंगे, वो तो चली गई। तो देखिए कोबरा है, अरे दोस्तों अभी गुस्से में आएंगे क्योंकि ज़्यादा समय तक बैठे थे ना। अब देखिए सो अभी धीरे धीरे अभी चले जाएंगे, इनको छेड़ेंगे नहीं। दोस्तों देखिए अभी ऐसे घसकते चले जाएंगे। तो उसको आप लोग देख ही रहे हैं कितना तेज भगा है। अभी इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं महाराज वो गायब हो ही जाएंगे। अब तो देखिए अब वो गायब हो गए धीरे धीरे झाड़ियों में। तो बस दोस्तों अब हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने इन विद्वानों को ला के सुरक्षित इस जंगल में रिलीज कर दिया। तो बस दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।